माई न्यू ब्लॉग. सो गाइज, आज हम घर में ही आपको कुछ नया बना के दिखाएंगे एंड फिर आप बना के खाइएगा. सो घर में बनाने का मेन रीजन ये है कि कुछ दिनों पहले मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, आप देख सकते हैं, जिसमें कि मेरा नी डिसलोकेट हो गया था. तो बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है, बट व्लॉग नहीं रुकना चाहिए. तो घर में जो भी सामान था उससे मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ अच्छा सा डिश प्रिपेयर किया जाए, जो कि आप भी घर में बैठे अगर बाहर जाने का मन नहीं कर रहा तो आराम से आसानी से बना सकते हैं. तो ठंड के दिनों में यू नो कि पालक साग कितना ईजिली अवेलेबल होता है, तो हम पालक साग के साथ कुछ नया सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं. मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ. तो हम बनाने वाले हैं पालक चाट एंड यू कैन सी हमारे पास ये सारे आइटम्स हैं. मैं एक एक करके आपको सब बताऊंगी कि कैसे करके क्या करना है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे बेस से, जो कि है पालक का भजिया. तो ये पालक का भजिया बनाने के लिए हमने लिया है, बेसन का घोल बनाया है. बेसन का घोल सिंपली हमने बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है एंड उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है और थोड़ा सा सेजवान चटनी डाल के उसे अच्छे से एक बैटर बना दिया है, एक मिक्स बना दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा. अब उस घोल में हमने पालक के पत्ते लिए हैं, उन पत्तों को डिप करके हमने उसे अच्छे से फ्राई कर लिया है और फ्राई किया है ये हमारा पालक का भजिया. आलू जिसको कि हमने बॉईल करके अच्छे से उसे छील के और कटिंग कर लिया, जिसमें मेरा मासूम ने बहुत हेल्प किया है, और इसे हम इसके ऊपर में अच्छे से पहले डाल देंगे. तो चटनी में हमने लिया है सबसे पहले दही. दही में कुछ भी नहीं करना है, बस दही लेना है, उसमें चीनी डालना है एंड अच्छे से उसे मिक्स कर लेना है, फेंट लेना है. दूसरा है हमारा धनिया पत्ती का चटनी. तो धनिया पत्ता का चटनी बनाने के लिए हमने लिया है धनिया पत्ता, उसमें 3 मिर्चा डाला है, हरा मिर्चा, 4-5 कलियां लहसुन के डाले हैं, थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ा नमक डाला है, थोड़ा चीनी डाला है, काला नमक डाला है एंड थोड़ा सा दही और नींबू, और इन सबको डाल के मिक्सर में अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है और हमारा बन जाता है ये सुंदर सा मस्त सा होटल स्टाइल धनिया पत्ता का चटनी. इमली का चटनी में कुछ भी नहीं करना है, बस इमली को भिंगा के उसको थोड़ा सा छान लेना है, थोड़ा सा चीनी डाल देना है और बस आपका बन जाएगा इमली का चटनी. और इसमें हमने लिया है काला नमक और नमक, और गार्निशिंग के लिए हमने लिया है थोड़ा सा अनार का दाना, थोड़ा सा आलू भुजिया, ये हल्दीराम का भुजिया मेरे को बहुत पसंद है तो ये वाला लिया है, एंड ये धनिया पत्ता थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए. तो बस ये रेडी हो गया, अब आपको बना के दिखाते हैं. आते हैं चाट और देखते हैं कैसा आउटकम आता है. हम भी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं गाइस. तो ये इसके ऊपर में हम आलू को पहले अच्छे से डालेंगे, थोड़ा सा स्मैश कर करके थोड़ा सा डालना है ताकि मुँह में एकदम ऐसा ना लगे, गोटा गोटा आलू ना लगे. तो यस, ऐसे एक लेयर बना लिया हमने, एक आलू ही है ये हमने काट के डाला था. तो आलू हमने डाल दिया है गाइज, एक हाथ से कर रहे हैं, ऐसे सपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं, बट कोई बात नहीं आपके लिए गाइज, प्लीज देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. अब हम डालेंगे दही, एकदम कंजूसी नहीं करना है गाइज, पूरा एकदम भर के और रज के डालना है, क्योंकि चाट में जब तक आप ये सारे चीज अच्छे से नहीं डालते हो ना तो वो टेस्ट ही नहीं आता है. तो दही हमने डाल दिया है 4 चम्मच भर भर के. दूसरा हम डालेंगे धनिया पत्ता का चटनी, बहुत ही तीखा और मीठा और नमकीन स्पाइसी सब चटपटा सब बना है. इसको भी एकदम भर के डालेंगे और पूरा भर देना है जगह को, एक भी जगह खाली नहीं दिखना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप लोग, भावनाओं को समझिए. अब नेक्स्ट हम डालेंगे इमली का चटनी, ये भी बहुत टेस्टी सा ये मेरी मम्मी ने बनाया है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी, बाकी सब मैंने बनाया है. ठीक है, तो इमली का चटनी भी हो गया. अब हम थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारे आइटम्स में स्वाद अनुसार उसका दिया हुआ है तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, और ये काला नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार. अब हम ऊपर से डालेंगे हमारा, इसको हम बंगाली में बेदाना कहते हैं गाइस, और ये है अनार का दाना. तो इसमें भी कंजूसी नहीं करना है. अभी से मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है गाइस, आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा सा और डाल देते हैं, अच्छा लगेगा खाने में. अभी मेरे को ज़रूरत है इसका, खून का कमी हो गया है. ठीक है, अब डालते हैं सेव. सेव सेव डल गया और बहुत प्यारा लग रहा है. एंड गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता, और ये बन गया है मेरा चाट, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है. तो ये बन गया है मेरा मस्त वाला चाट गाइस, सच्ची सच्ची बताना, देख के
खाने का मन हो रहा है कि नहीं? मेरे को तो बहुत सही लग रहा है, एकदम घर का आइटम्स, एकदम मिनिमल मतलब कि आइटम्स लगा है इसमें। एंड अब इसको टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। आई होप सो अच्छा बना हो। जबरदस्त, मतलब इतना बढ़िया है, कोई बाहर का चीज नहीं बना है, सारा चीज घर का आइटम्स है, तो घर के तेल में फ्राइड है, बहुत ही अच्छा। मैं फिर से इसे जरूर ट्राई करूंगी। एक खट्टा मीठा सा टेस्ट आ रहा है क्योंकि मीठे आइटम्स भी पड़े हैं, नमकीन आइटम्स भी पड़े हैं, बैलेंस्ड है पूरा का पूरा चाट, जो चाट होना चाहिए वही है। तो गाइस ये बहुत हेल्दी नाश्ता भी है, इवनिंग स्नैक्स, क्योंकि इसमें पालक है। अब आप पालक को तल दो, जो भी करो वो हेल्दी ही रहेगा, एंड इसमें फ्रूट्स भी डाला हुआ है। तो बस देर किसका है, ठंड का मौसम है, जाइए अभी का भी पालक लाइए और बनाइए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि कैसा बना है। मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में ऐसा ही कुछ नया सा चीज लेकर के। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्रे कि मेरा पैर जल्दी से ठीक हो जाए। बाय बाय गाइज, लव यू।